लेकिन यहाँ पे जा नहीं सकते यार, इसके अंदर क्या है ना एकदम से खड्डे बहुत ज्यादा है, तो एकदम से पूरा आदमी अंदर घुस सकता है। आप चले जाते हो ट्रैक करने पता नहीं कहाँ कहाँ पे, और वहां आपको नदी के किनारे किनारे घुमा के वापस ले आते ट्रैक। वो सामने आप दिख रहे हैं ना, ये पूरा ग्लेशियर है भाई साहब, ग्लेशियर, और जो ये पूरे इस ग्लेशियर के ऊपर टिके हुए हैं। जैसे ये जो पत्थर है ना, ये भी अपन ग्लेशियर के ऊपर ही बैठे हैं। देखो ये है ना, हल्की हल्की है ना, किसी ऑयली है ना परत जमी है। मैं मारवाड़ी आपका स्वागत करता हूँ एक और प्यारी सी वीडियो के अंदर। सामने वो है, सामने देखो टाइगर हिल, और ये कुछ ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा है। वहाँ पे अपन कैंप कर लिए थे रात को और आराम से शांति से सो गए थे। रात को करीब जल्दी पहुँच गए थे हम, 3 घंटे में 2 घंटे में मतलब ऊपर चढ़ गए थे गाँव से, जसगोंड से। और अभी अपन लेक देखने जा रहे हैं, जो यहाँ पर लेक है ना उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सामने साइड में ऊपर जाना है, वो पहाड़ के पीछे है जस्ट वो। और सामान वामान मैं ज़्यादा लिया नहीं यार, सामान सारा नीचे ही है क्योंकि वापस आना है ना इधर, इसलिए कुछ ऐसा सीन है। और दोनों भाई जा रहे हैं आगे, हम भी जा रहे हैं। सांस फूलती है स्टार्टिंग में, अभी बॉडी ठंडी है ना इसलिए फूलेगी सांस। कितनी सुंदर जगह ढूंढी है ना आपके भाई ने, और देखो कितना खूबसूरत सा है। बीच में ये खूबसूरत है लेकिन यहाँ पे जा नहीं सकते यार, इसके अंदर क्या है ना एकदम से खड्डे बहुत ज़्यादा है, तो एकदम से पूरा आदमी अंदर घुस सकता है, तो उधर नहीं जा सकते। हम इस रिवर के इस साइड में चलेंगे, मतलब पानी के इस साइड में चलना है अपन को। कभी ट्रैकिंग के अंदर है ना आपको रूल्स पता होने चाहिए, अगर आप अनएक्सप्लोरेड ट्रैक कर रहे हो बिना गाइड के। तो हमारे पास गाइड तो है नहीं, हम तीनों भाई लोग हैं, तो इसलिए पूरा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और ये थोड़ा नदी के पास बैठे हैं, कुछ ऐसा सीन है। देखो ये नदी का पानी आ रहा है उसी ग्लेशियर से पिघल के, तो अपन को इस नदी के इधर इधर ही चलना है। बताओ मजा आ रहा है ना। थोड़ा सा है ना अपन रेस्ट कर रहे हैं, और अभी रेस्ट करके थोड़ा सा फिर आगे चलना पड़ेगा अपन को। और सामने साइड में वो ग्लेशियर है ना, उधर ही जा रहे हैं। पानी के पास बैठ गया था यार, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है ना, तो मैं इसको इसका फील खोना नहीं चाहता हूँ, इसको फील करना चाहता हूँ मैं हर एक जगह। देखो कुछ ऐसा चलना पड़ेगा अपन को, ये झरने के अंदर अंदर से चलना पड़ेगा बाबा। देखो लाइफ का यही तो एंजॉय है भाई, आप चले जाते हो ट्रैक करने पता नहीं कहाँ कहाँ पे, और वहाँ आपको नदी के किनारे किनारे घुमा के वापस ले आते। ट्रैक वो होता है यार जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, थोड़ा मेहनत करना पड़े, और उसके बाद आपको, आप सोच नहीं सकते इतनी खूबसूरत जगह दिखे, तब आपको मजा आता है। तो ये ट्रैक आप यहाँ पे जरूर आना, ठीक है। नंबर दे दूंगा भैया का, कॉल करके आ जाना, आपको फुल गाइड कर देंगे वो, ठीक है। और मिनिमम चार्ज है, ज़्यादा चार्ज भी नहीं है यार। चल अभी तो भाई इतना सा चढ़े, और उस जस पहाड़ी के नीचे तो अपन ने कैंपिंग लगाया था, और ये कुछ यहाँ पे खाली सा है, छोटा सा ग्लेशियर अपन को वहाँ पे दिखा है, लेकिन अपन को जाना है पीछे की साइड। देखो पीछे पूरा पहाड़ दिख रहा है ना, इस पहाड़ को जंप करना है अपन को पीछे, तब दिखेगा। लेकिन यार ये सच में बहुत खूबसूरत है, ये देखो कितना सुकून भरी वादियाँ, पहाड़ पे पहाड़, पहाड़ पे पहाड़, पहाड़ पे पहाड़, खूब सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ से डायरेक्ट दराज का नेटवर्क पकड़ता है इधर, मतलब नीचे नेटवर्क नहीं है, और जैसे यहाँ चढ़ेंगे तो दराज का नेटवर्क आता है। बढ़िया यार एकदम। रास्ता देखो यार कैसा, पूरा पथरीला रास्ता एकदम, और ये पिसलन पत्थर भाई, कभी पत्थर यहाँ से गिर सकते हैं कभी। और देखो वैसे इसका दूसरा रास्ता है वो थोड़ा सेफ है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट था ना, तो आपके भाई ने शॉर्टकट ले लिया। आप आओगे ना तो आप गाइड के साथ आओगे, तो वो अच्छे रास्ते से आपको लाएगा, वो उस तरफ से है ना, उस तरफ से। तो यहाँ से जस्ट अपन ऊपर पार करेंगे, ये जस्ट यहाँ पे ग्लेशियर है, फिर उसके आगे देखते क्या है ना।
कुछ आइडिया नहीं ना, नया नया है, एक्सप्लोर करें तो। ग्लेशियर तक पहुंच गया आपका भाई। ये ग्लेशियर भाई ऊपर हल्की हल्की मिट्टी है ना, इस वजह से ये पिघलता नहीं है। एक इधर है, एक किधर है। अभी अपन ऐसे पार करके फिर नीचे उतरेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरा नाम भी लिख दिया, शक्ति। और एक भाई पीछे आ रहा है, आ जाओ आ जाओ। तो अपन पहुंच गए हैं एक फाइनल चोटी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर। ये देखो सामने आप दिख रहे हैं ना, ये पूरा ग्लेशियर है भाई साहब, ग्लेशियर। और ये जो ये दिख रहे हैं ना, ये मिट्टी पत्थर, ये पत्थर वत्थर भाई सिर्फ ऊपर ऊपर है, बाकी नीचे है ना पूरा ग्लेशियर है। आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, हल्की हल्की बर्फ दिखेगी यहाँ से देखोगे तो, ये पूरा ग्लेशियर है नीचे तक, वहाँ तक। तो ये बीच में से पूरा टूट सकता है, तो हम इसलिए आगे नहीं जा रहे हैं। और अभी हम गाइड साथ में नहीं लाए ना, आप आओगे आपके साथ गाइड रहेगा, और बहुत मज़ा आने वाला है ये ट्रैक करने में। और अभी अपन यहाँ से नीचे जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो जल्दी पहुँचना ज़रूरी है। तो आप लोग आओ तो यहाँ तक ज़रूर आना। देखो अभी हम फाइनल चोटी पर बैठे हैं, ये चोटी, और वहाँ अपना टेंट है, और अभी यहाँ से अपन को नीचे जाना है। काफ़ी एडवेंचर भरा सफ़र। क्यों भाई मज़ा आ गया है? मोटा भाई कहाँ है? भले झील नहीं मिली पर ये सफर बहुत मस्त है यार, यहाँ का मस्त जगह है। हाँ, मंजिल का मजा नहीं भाई, रास्तों का मजा लेना चाहिए। और रास्ते खूबसूरत होते हैं ना तो मंजिल तो खूबसूरत हो ही जाती है। देखो कुछ ऐसा सीन है, भालू वालू, मैं सोचा भालू देखने को मिलेगा, लेकिन यार भालू आज पता नहीं छुट्टी पे गया हुआ है इसलिए आया ही नहीं इधर। और सुंदर सा बताओ, ये देखने का यार मन कर रहा है क्या? और दिखाओगे बताओ? तो ये है ग्लेशियर भाई, देखो पूरा नीचे की साइड में पूरा ठंडा ठंडा गुफा टाइप में बन चुका है। और ये है ना, ये जो ऊपर आप पेड़ देख रहे हो ना, ये पत्थर देख रहे हो ना, ये पूरे इस ग्लेशियर के ऊपर टिके हुए हैं। जैसे ही ग्लेशियर यहाँ से टूटेगा, और देखो ना कितना भार है इन पत्थरों में, ये सारे पत्थर ओनली इस बर्फ़ के ऊपर टिके हुए हैं। और बर्फ़ देखो हिल नहीं रहा है भाई साहब, इतना मजबूत रहता है बर्फ़। और ये पूरा नीचे गिर सकता था लेकिन पूरा मजबूत है। धीरे धीरे पत्थर गिर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे पिघल रहा है ना, वैसे वैसे पत्थर नीचे गिरे जा रहे हैं। और अगली साल फिर ये कुछ एक अलग रूप ले लेगा, ये सारे पत्थर नीचे आ जाएंगे, फिर इसके ऊपर ग्लेशियर जम जाएगा, फिर वो पत्थर ऊपर से गिरेंगे, ऐसे करके ये यहाँ पे भी एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा एक दिन। तो ऐसा सीन है। और अभी अपन जहाँ बैठे हैं ना भाई, देखो ये जो पत्थर है ना, ये देखो ये जो पत्थर है ना, ये भी अपन ग्लेशियर के ऊपर ही बैठे हैं। देखो ये पूरा ग्लेशियर, पूरा बर्फ़ है भाई, ये पूरा बर्फ़ ही है। ये पिघल गया ना तो सच में हालत ख़राब हो जाएगी। और ये पूरा गोल टाइप में, ये पूरा 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 ग्लेशियर है, इसके नीचे भी ग्लेशियर है। वहाँ पे भाई बैठा है, अभी अपन वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ थोड़ा अलग सा है, वो चीज़ देखते हैं वो क्या चीज़ है, उसको एक्सप्लोर करते देख क्या चीज़ है, वो उसके पास जाएंगे और आपको बताते हैं। पूरा पानी ऊपर ऊपर से आ रहा है वहाँ से, वहाँ पे तो तालाब नहीं है कहीं। भाई फाइनली झील को ढूंढ लिया गया है, और ये झील है, लेकिन ये और ज़्यादा खूबसूरत होती है ये सीजन के अकॉर्डिंग होती है ना। अभी ये सारे ग्लेशियर जम गए ना इधर बड़े बड़े, तो ये इसकी वजह से ये थोड़ी छोटी हो गई झील, नहीं इस पूरे एरिया में ये झील रहती है। और ये पीछे ग्लेशियर व्यू पॉइंट और ये पहाड़ बहुत खूबसूरत लगता है, ये लेक। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, यहाँ तक आ गया आपका भाई, सोचा है तो ढूंढ ही लिया भाई कुछ भी हो। देखो सुंदर सा, और अभी अपन को बहुत लंबा नीचे जाना है भाई। यार इसके अंदर देखो है ना, हल्की हल्की है ना, किसी ऑयली है ना परत जमी है, मतलब तेल जैसी कुछ है। देखो ऑयल 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 तेल जैसी एकदम, और पूरा दूर तक है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, कुछ यूनिक है। पूरा ऑयली है एकदम, ऑयली ऊपर की साइड में, पानी अंदर नीचे ऑयली, जैसे पानी के अंदर आप पेट्रोल वगैरह डालते ना तो ऊपर से कैसा होता है, सेम वैसा का वैसा है। तो बाय बाय लेक, जा रहे हैं हम बाय बाय लेक। चलो नीचे चलते गाइस, और सीधा मिलते हैं कैंपिंग में, ठीक है? फटाफट जाके फटाफट नीचे उतरना पड़ेगा ना, टाइम की वैल्यू रखनी पड़ेगी भाई, टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैकिंग के अंदर, जिस टाइम पे फटाफट फटाफट निकलना पड़ता है ना। देखो कुछ पत्थर वत्थर हम ऐसे पार कर रहे हैं, यार पत्थर गिर गए यार टूट के, नहीं तो ये बहुत खूबसूरत लगता सच में, बहुत खूबसूरत अगर पत्थर नहीं होते। यार ये फूल यहाँ पर पाए जाते हैं, ये रोज लग रहा ना, पर्पल रोज, एकदम रोज, ये फूल यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये खूब खूब ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये फूल यहाँ पे, और इनकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सुगंधित है। देखो
यार है ना, अपन को लकड़ियाँ नहीं मिल रही है आग जलाने के लिए, क्योंकि रात को आग जला के रखना पड़ता है, जानवर आ जाता है ना भालू वालों, तो आग को देख के वो नहीं आता है, तो आग के लिए लकड़ियाँ नहीं मिल रही। बड़ी मुश्किल से ऊपर से नीचे आने के बाद जो छोटा सा झाड़ी दिखा है, तो जिससे हमने इतनी सी झाड़ियाँ स्टार्ट करी है, और अंशु को भी नहीं मिली है। अंशु मिली कुछ उम्मीद? तो यार उसको भी मिली देख छोटी छोटी। चलो यहाँ थोड़ी बहुत मिल तो रही है, फिर और देखेंगे। अभी झाड़ियाँ पेड़ नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए दिक्कत आ रही है।